ईद मुबारक आप सभी को, आप सभी की जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए, ढेर सारी खुशियाँ आए। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत अमान में रखे और हर बीमारी से बचाए। अच्छा, जैसे आप जब यहाँ पर आए 95 में, तो जो इनकम का जो ग्राफ है वो आपका कैसे गया? एस्टोनिया में आकर के अपनी लाइफ में, जिंदगी में काफी कुछ हासिल किया है आपने। सच्चे लोग हैं ये, सच बोलते थे। ये लोग दूसरों का बहुत ख्याल करते हैं। ये लोग किसी के साथ ना वो हसद नहीं करते, को वो अमीर हो गया वह गरीब, ये नहीं, कोई फर्क नहीं करते। ये लोग हेल्पफुल है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व कर देते हैं। सुजात अली साहब जो कि पाकिस्तान के पंजाब से बिलोंग करते हैं और ये यहाँ 95 से रह रहे हैं। हाँ हाँ, क्या हाल है बेटा? ठीक है भाई, ईद मुबारक हो यार। तू ईद नहीं ले चेर तब गल ही नहीं की थी। और मैं इंटरव्यू दे रहा हाँ अच्छे। और अफसुरदा अफसुरदा लगना पा की गल, खैर है। मजबूर इंसान होता है ना, उसकी मदद करता हूँ, लोग यूज करते हैं मुझे। और जैसा कि मुझे मालूम है कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा और न मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप नाम लीजिए, लेकिन मेरी जानकारी में है कि लोगों ने आपके साथ में काफ़ी पैसे भी आपके जो है तो गंवाए हैं, मतलब आपके ले करके वापस नहीं किए हैं, लेकिन ये हकीकत है? हाँ, जैसा कि मुझे जानकारी है। हाँ जी, हकीकत है। लेकिन आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है? नहीं नहीं, मैं कोई शिकन नहीं रखता। मैंने बोला चलो सही है, किसी के मैं तो अल्लाह की खातिर करता, मैं किसी इंसान के अपने लिए नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि किसी की मदद हो जाए, वो तो ऊपर वाले ने देना है, अल्लाह ताला ने देना है। इंसान तो कुछ दे नहीं सकता किसी को। मेरे तो अभी भी एक रानी था, अभी भी कोर्ट में लगा हुआ, उसने 4,500 यूरो देना, 2 साल मेरे घर में ऐसे रहा। तो अभी कोर्ट बुला रहा था मुझे, मैंने कोर्ट में भी जाकर यही बोलना मैंने छोड़े इसके पैसे। अच्छा, जैसे आप जब यहाँ पर आए 95 में, तो जो इनकम का जो ग्राफ है वो आपका कैसे गया? मतलब 95 में यहाँ पर आप कितना कमा रहे थे, फिर 2000 में कितना कमा रहे थे, अभी आपकी इनकम कैसी है? जैसा कि आपने कहा आपने बिजनेस शुरू किया, इन्वेस्टमेंट किया आपने $30,000 का, तो आपकी इनकम 95 से 2000 के अंदर ज़्यादा थी या 2000 से और 2020 तक ज़्यादा थी या 2020 के बाद अब ज़्यादा शुरू हुई है? नहीं, मेरी कैसे ग्राफ कैसा है? अच्छी थी 2016 तक, सब सही था, कारोबार हर एक किस्म का कारोबार सही था। 2016 से ना थोड़ा थोड़ा, एक दफ़ा मेरे ना वो रेस्टोरेंट एक बनाया था, उसमें मैंने बहुत इन्वेस्ट कर लिया, वो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। तो उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा नीचे आना शुरू हो गया। तो मुझे अब पता चला है, पहले नहीं था, कि मैं जब भी रेस्टोरेंट का काम किया है ना, मैंने कोई तकरीबन 6 रेस्टोरेंट बनाए हैं इस्तोनिया में, जब भी मैं अल्कोहल फरोख्त करता हूँ ना, मेरा सब कुछ ना नीचे चले जाता है, कोई चीज़ नहीं मेरे पास रहती। ये अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला की तरफ से ना एक मुझे सजा है। तो मैं जितना भी पैसा इधर ज़ाया किया ना रेस्टोरेंट में किया, रेस्टोरेंट बनाए हैं वो 0 में दे दिए, बात सही है। लेकिन जैसा कि मैंने सुना है, मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे अमाउंट बताएं, और आपको बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन जैसा कि मैं जानता हूँ दूसरों के द्वारा, तो आपने यहाँ अच्छे पैसे कमाए हैं और आपने उन अच्छे पैसों का अपने मुल्क में भी अच्छा इस्तेमाल किया है आपने। जैसे कि आपने अपने मुल्क में शायद कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाया, मार्केट वगैरह बनाई, जो भी बनाया, मतलब काफ़ी काफ़ी कुछ किया है आपने। एस्टोनिया में आकर के अपनी लाइफ में, जिंदगी में काफ़ी कुछ हासिल किया है आपने। हाँ, ये हकीकत है। काम तो मैं करता हूँ, हार्ड वर्क करूँ। हाँ, और आपके सामने बहुत से लोग आए लेकिन वो उतने कामयाब नहीं हुए जितने आप हुए, इसका कारण क्या है? दरअसल ना जो भी इंसान दुनिया में किसी के पैसे की तरफ देखता है ना, वो कहता है ना दूसरे को मैं ना वो उल्लू बना लूँ, वो आदमी कभी कामयाब नहीं होता। 4 दिन की जिंदगी होती है। ये पैसा जो होता है ना, ये आने वाले वाली चीज़ है। जिस जो आदमी हराम की खाता है ना, हराम जो खाते हैं उनको 10 दिन, महीना, साल वो यशी कर लेते हैं, बाद में वो बीमारी होते हैं। मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेहत है, सब ठीक है,
तो यही वजह। ये तो आपका कहना बिल्कुल सही है, जायज है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जैसे कि आपके समकालीन उस समय के जब आपने यहाँ पर, मेरे ख्याल से कई आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपसे पहले से यहाँ रह रहे हैं। हाँ, आप उसके पहले से रह रहे हैं, 6-7 है बस। तो लेकिन बावजूद मेरी जानकारी के अनुसार कई लोग हैं जो आपसे पहले से रह रहे हैं लेकिन वो उतने कामयाब नहीं हुए जितने आप हुए। यार हम तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आना इज्जत देता है, इंसान के पास में कोई चीज़ नहीं है। मुझे अल्लाह ताला ने अभी भी इज्जत इधर दी हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का एक ही नंबर है मेरा टेलीफोन का, कभी किसी के साथ ना एक पैसे का उधर उधर नहीं किया। सब लोग जानते हैं, स्टोनियन भी इज्जत करते हैं, सारे लोग इज्जत करते हैं, बिजनेसमैन जितने हैं मुझे जानते हैं। तो तकरीबन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी के पैसे की तरफ मेरी आँख नहीं गई, अपना खाते हैं कमाते हैं बस। अच्छा, आप यहाँ पर है, यहाँ पर काफ़ी जो अपनी मुस्लिम बिरादरी है इस्लाम मजहब से जो बिलोंग करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी या दूसरे मुल्क के, तो उनकी संख्या नंबर्स तो काफ़ी है इस्टोनिया में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लगभग पता नहीं है मुझे, लगभग 2000 से कम नहीं होंगे। नो, वो तो वो पहले भी 2000 से जब आया था ना इधर, तो अभी तो बहुत बढ़ गए होंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नए आए। नहीं, वो अपने एशिया के ना, पहले इधर अजरबैजान थे, चीनियन थे, ये वो ना, वो भी 2-3 हजार थे, तातारी थे इधर। मैं बस केवल ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कोई अपना कोई जो मजहबी कोई एक सेंटर, जैसे कि इस्लामिक सेंटर है या अपनी मस्जिद है या कोई भी ऐसी इबादत की जगह आप लोगों ने मिलकर के बनाई यहाँ पर इस्टोनिया में? बनी है हमारी मस्जिद इधर बनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे में मस्जिद इस्टोनिया में एक ही मस्जिद है हमारी। अच्छा। मस्जिद का नाम नहीं रखा हुआ। अच्छा, तो इस्लामिक सेंटर ही है बस। आपका आना जाना रहता है वहाँ? वहाँ मैं आता जाता रहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या आप लोग उसमें कुछ डोनेशन वगैरह देते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं जकात, तो जकात वगैरह देते होंगे आप? नहीं, हमारा फितरना होता है, जकात होता है, जकात होती है, जकात तो हम पाकिस्तान में निकालते हैं। अच्छा जी, तो उधर गरीब ज़्यादा लोग हैं, तो इधर फितरना वगैरह होता है वो देते हैं मस्जिद में। अगर मस्जिद में कोई प्रॉब्लम हो इधर सेंटर में, इस्लामिक सेंटर में, वो जब बोलते हैं कि यार इतने पैसे दे दो, दे देते हैं। ऐसे भी हम बिजनेस में ना 2% निकाला हुआ है, जितना हमें प्रॉफिट होता है ना, जितना भी पैसा आता है उसका 2% ना अल्लाह की राह में खर्च करते हैं हम, गरीब को ये वो सब। अच्छा, जैसे कि मैं कुछ इस्लामी बात भी पूछ सकता हूँ आपसे? पूछ तो। जैसे कि जग जाहिर है, मतलब दुनिया जानती है, लेकिन दुनिया में ये भी जरूरी नहीं है कि सब कोई जानता हो, मेरे जैसे लोग जानते हैं, जैसे कि कलमा है। हाँ। कलमा एक नहीं है, कई सारे हैं, लेकिन जो बहुत ही जो मजहबी और जो बहुत ही मतलब फेमस है, जो कि हर एक मुस्लिम की जबान पे होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ, बिल्कुल। तो क्या यही कलमा मेन है या इसके अलावा और भी कलमा है जो कि इबादत के काम आते हैं, जो रोज जिनको हमारे मुस्लिम भाई पढ़ते हैं, तो ये केवल यही कलमा पढ़ते हैं या कोई इसके अलावा दूसरा कलमा भी है? नहीं, इसका हमारा कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ में हमारे, कुरान शरीफ तो है, मैंने भी पढ़ी हुई है, मैंने 30 पारे पढ़े हुए हैं, मैंने हदीस भी पढ़ी हुई है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल यहाँ पर कलमा की बात कर रहा हूँ। मैंने भी, मेरे उच्चारण में शायद गलती नहीं होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये कलमा जो है ये बचपन से मैं भी पढ़ता आ रहा हूँ। बेशक आप मुझे नहीं जानते, मेरा दूसरा रूप नहीं जानते हैं, आपके आपको लग रहा है मैं केवल एक हिंदू हूँ। नहीं, लेकिन मैंने, मेरी जब उम्र थी 16 ईयर्स की, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक आश्रम में रहता था और आश्रम में एक हिंदुस्तानी और एक हिंदू और आश्रम में रहने वाला, मंदिर में रहने वाला, क्या कभी सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति 16 साल का लड़का कुरान शरीफ बाजार से लेके आए और मंदिर में छुपा के रखे और रोज पढ़े? आप यकीन करेंगे? शायद नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपके सामने, जिसको अल्लाह ताला हिदायत देता है ना, मैं आपके सामने कबूल कर रहा हूँ कि 16 ईयर्स की एज में मैं अहमदाबाद में था, तब 3 दरवाजा गया और वहां से हिंदी में लेके आया कुरान शरीफ। तो कुरान शरीफ से जो मेरा नाता है आज का नहीं है, बहुत पहले से है, ये 84 की बात है। 84 में मैं कुरान शरीफ पढ़ा था, पूरे 30 पारे पढ़े थे, तो मुझे बहुत सारी आयतें आती हैं, बहुत सारी आयतों का मतलब मालूम है।
बेशक मैंने हिंदी में पढ़ा है लेकिन मैं जानता हूँ कि कुरान शरीफ के अंदर क्या है, मैंने हदीस भी पढ़ी है, बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी है मैंने। तो मैं बस केवल ये जानना चाहता हूँ कि जो सारे मुस्लिम हैं, मतलब दुनिया में जो सारे मुस्लिम हैं, तो वो इसी कलमा को पढ़ते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, या इसके अलावा दूसरा कोई भी कलमा है? एक ही कलमा। एक कलमा है ना, एक ही कलमा। बस ये मैं कंफर्म करना चाहता था। हमारा एक ही कलमा। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि आपके यहाँ पांच कर्म है, कर्मा, कर्मा समझते हैं ना, नमाज है। जैसे कि नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जकात करना, हज करना और कलमा पढ़ना, कलमा पढ़ना। ये पांच कर्म है जो कि हर एक मुस्लिम को अपनी दिनचर्या में, मतलब डेली रूटीन में, उसको हज तो डेली नहीं कर सकता है, ऑफ कोर्स नहीं कर सकता है, लेकिन जिंदगी में एक बार तो करना करना है। जकात रोज कर सकता है, कलमा रोज पढ़ सकता है, नमाज रोज पढ़ सकता है ना। नमाज तो पांच वक्त। हाँ, तो नमाज और रोजा भी रोज नहीं रख सकता है, तो रोजा और हज को निकाल दें आप, लेकिन कलमा, जमात और नमाज, ये तीन कर्म हर एक मुस्लिम को रोज करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। रोज करते हैं लोग जिन्होंने, दरअसल ना अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है ना, जिसको अल्लाह ताला की नजर हो जाती है ना, जो वो ही कर सकता है, दूसरा आदमी नहीं कर सकता। कुछ लोग, मैं हिंदू होकर के मैं आपकी नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं कलमा भी पढ़ता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे मुझे काफी। और मैं बताऊँ आपको, हम रोजा रखते हैं ना, हम रोजा रखते हैं, हम किसके लिए, हम आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं रखते। बिल्कुल बिल्कुल, हम अल्लाह के लिए रखते हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला और हमारे दरमियान ना वो कंडक्ट होता है कि हमने रोजा रखा। मैं जो कलमा पढ़ता हूँ वो बिना भेदभाव के पढ़ता हूँ। मेरा मानना ये है कि कलमा एक खुदा को याद करने का, उसकी बंदगी करने का एक साधन है। साधन, तो वो अगर उर्दू में है, फारसी में है, किसी भी जबान में है, किसी भी मजहबी बुक से निकला हुआ हो, चाहे वो गीता से निकला हुआ हो, चाहे रामायण से निकला हुआ हो, या कुरान शरीफ से निकला हुआ हो, तो हम जो कलमा पढ़ते हैं वो खुदा की इबादत के लिए पढ़ते हैं, उसकी इबादत करते हैं। मैं ऐसा फर्क रख के नहीं करता हूँ कि ये तो मुस्लिम लोगों का है, ये मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। मैं मंत्र भी पढ़ता हूँ, उसी तरीके पढ़ता हूँ रोज। मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, दिन में कई बार मैं कलमा पढ़ता हूँ, मंत्र ज़्यादा पढ़ता हूँ, ये हकीकत है। और उसका एक ही कारण है कि भाई मैंने हिंदू कौम में जन्म लिया है, ठीक है, और बचपन से जो है मजहबी अगर देखेंगे तो मैं हिंदुस्तानी और हिंदू हूँ, तो ऑफ कोर्स जो है मैं बहुत सारे मंत्र भी पढ़ता हूँ, लेकिन कलमा भी पढ़ता हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत सारा नॉलेज भी है, इस्लाम के बारे में नॉलेज है। और तो मैं अभी आपसे मैं क्वेश्चन करूँगा, मैं अपने बारे में नहीं बताऊँगा, मैं आपको खाली जानकारी भी बता दी आपको। ये तो तुम पर भी अल्लाह का कर्म। ये बताइए कि आप यहाँ पर रह रहे हैं अभी, अभी आपकी कितनी उम्र हो गई? मेरी 57 हो गई। 57? आपकी केवल 57 है? हाँ। मुझे तो आप ज्यादा लग रहे थे। 57 है ना। अच्छा, केवल 50, तो आप इनसे छोटे हैं, अजीत सिंह जी से? हाँ, जी से छोटे। अच्छा, तो आपका फ्यूचर में क्या इरादा है कि आप जो है तो मतलब आफ्टर 60 या आफ्टर 65 आप इस्टोनिया में ही रहना चाहेंगे या अपने मुल्क में वापस जाके वहाँ रहना चाहेंगे? देखो, हम लोग ना अल्लाह पर यकीन है, जहाँ भी अल्लाह ताला बेहतर हमारे लिए करेगा ना। आपकी सोच क्या है? अल्लाह ताला तो करेगा, वो करेगा। आदमी की सोच होती है? नहीं नहीं नहीं, सोच तो होती है, ये तो कहने की बात नहीं है। नहीं नहीं, मैं वो सोचता नहीं है, मैं सोचता होता ना, हम लोग मुसलमान जो होते हैं, हम लोग ये नहीं सोचते कि कल क्या होना है, अल्लाह ताला ने करना, हमने सिर्फ काम करना, लोगों की मदद करनी है, ये नहीं सोचते। अल्लाह ताला रास्ते निकालता खुद खुद, क्या करना है क्या नहीं करना, ये अल्लाह ताला पर होता है, अल्लाह ताला ने दिया। जितनी हम लोगों की मदद करेंगे, जो भी लोगों को अच्छा सबक देंगे, वो अल्लाह ताला उसी साइड पर ले जाता है इंसान को। इंसान के पास की कोई बात नहीं होती, इंसान किसी कुछ भी नहीं है, इंसान एक पानी का बुलबुला बस। अच्छा। एक सा आना दूसरा आना है, पता नहीं, हमें नहीं पता। हमारे मजहब में ये है कि एक सा ये आ गया, दूसरा आना है कि नहीं आना। ऐसा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा कि तुम बताओ कि कितनी ज़िंदगी है तुम्हारी। उन्होंने बोला, किसी ने बोला कि एक घंटा, किसी ने बोला आधा घंटा, किसी ने बोला दो घंटे। जब सब ने ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आप बताया हमें कि आप कितने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि ये जो मेरा सांस नीचे गया है ना, मुझे ये नहीं पता कि वापस आना कि नहीं आएगी, नहीं आएगी। सही बात, ज़िंदगी का कोई ये, हम जिंदगी में मुसलमान जितने भी हैं, जो भी आए हैं दुनिया में, ये हम तो इम्तिहान देने के लिए आए हैं।
हमारा इम्तिहान हो रहा है कि हम कैसे हैं, कैसे रहते हैं, लोगों की कितनी खिदमत करते हैं, क्या करते हैं, बस यही हमारा मिशन होता है। अच्छा, मेरे यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारे सब्सक्राइबर पाकिस्तान से ही हैं और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, रिक्वेस्ट आती हैं, सर मैं भी स्टोनी आना चाहता हूँ और मैं वहाँ, कोई बोलता है मुझे जॉब करना है, कोई बोलता है मुझे बिजनेस करना है, तो मैं तो उनको वही बोलता हूँ कि भाई आप जो है तो जो एक लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू जाएं। हाँ, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ और कोई भी यहाँ आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, जो लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू आप जो है अपनी आपकी प्रोफाइल होगी तो आपको मिल जाएगा। तो आपका क्या सजेशन है कि जो अगर पाकिस्तानी भाई यहाँ आना चाहते हैं तो उनको बिजनेस के लिए आना चाहिए या जॉब के लिए आना चाहिए? नो, इधर तो पाकिस्तानी बहुत लड़के आ रहे हैं जो स्टूडेंट है, वो पढ़ रहे हैं। इस्टोनिया के हिसाब से बेहतर क्या होगा कि अगर कोई पाकिस्तानी, ठीक है उसके पास में सफिशियंट मनी है, संसाधन है, जो भी है उसको चाहिए, वो सब कुछ है, तो वो अगर क्या डिसाइड करे, वो यहाँ पर आकर के जॉब के लिए डिसाइड करे, जॉब सर्च करे, या फिर वो बिजनेस करने का मूड बना के यहाँ आए, आपके हिसाब से क्या बेहतर है? जिसने भी इस्टोनियन आने की सोची है ना, वो इस्टोनियन आए। इस्टोनियन सिर्फ जिंदगी जो है ना, जिंदगी इंसान की जो जिंदगी है वो अच्छी गुजरती है। ये इंग्लैंड तरह नहीं है, ये दूसरे मुल्कों तरह नहीं है। इधर जो है ना पैसा बेशक कम है पर जिंदगी बहुत सुकून। वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ चाहिए ना? चाहिए, इंसान को जिंदगी चाहिए। बिल्कुल। इधर मेडिकल की सूरत बहुत अच्छी है, लोगों का बिहेवियर अच्छा है, लोग पढ़े लिखे हैं, बस काम तो मिल ही जाता है, काम तो अल्लाह ताला ने, हम मुसलमान हैं, हम तो सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने ना हमारे कदम लिखे हुए हैं जहाँ पर हमने जाना है, जिस जिसको मिलना है, ये तो अल्लाह ताला, ये तो ऐसे खेल बनी हुई है, हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी मैं ये लड़के को रखाने के लिए इधर आया था, कल मैं एक इंडियन को लेकर आया था इनके पास, ये दोस्त हैं, इनका भी काम चलेगा, उसकी भी रोजी लग जाएगी, हम तो यही काम करते हैं। हालांकि मेरा अपना काम है, मैं अपना काम हर्ज करके इधर आया। इस समय आप बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं इस समय आप? पहले आप जैसे कि आपने गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे अभी पास, मेरे पास अभी भी बहुत ज्यादा टी शर्ट पड़ी हुई है। अच्छा, मेरे पास सामान बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, हर किस्म का पेंटे हैं, हर एक चीज का। इंशाल्लाह समर आ गया, स्टार्ट करते हैं दोबारा बिजनेस। अच्छा, जब आप यहाँ आए थे 95 में, तब आपके मुल्क के बहुत कम लोग होंगे यहाँ पर? इधर हम 8 लोग थे सर। केवल 8 लोग थे? अभी अंदाजन कितने लोग होंगे पाकिस्तानी भाई? एक्चुअली करेक्ट नहीं, एक अप्रोक्सीमेटली होगा तो 300 बस, इतने होंगे? हाँ। ज्यादा होंगे, इतने तो स्टूडेंट्स ही होंगे जितने आप बता रहे हैं। नहीं नहीं, 300 से ज्यादा नहीं होंगे। अच्छा, 300 से ज्यादा। अच्छा, इस्टोनिया के बारे में कोई पांच चीजें जो आपको बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं, जो खास है, ज्यादा नहीं, केवल पांच, वो बताएं आप। पांच चीजें कौन कौन सी मैं बताऊं? हाँ, जो आपको लाइफ में आपको इम्प्रेस किया, जो आप हमेशा याद रखते हैं कि ये पांच चीजें जो इस्टोनिया में है वो कहीं नहीं है, वो ऐसी पांच चीजें इस्टोनिया में आपने क्या पाई? मेरा मतलब है पांच खूबियां बताइए आप इस्टोनिया के बारे में। सच्चे लोग हैं ये, सच बोलते थे। पांच खूबियां बताइए वन बाय वन। सच बोलते थे ये लोग। ये लोग सच बोलते हैं। खूबी नंबर वन। खूबी नंबर दो, ये लोग दूसरों का बहुत ख्याल करते हैं। ये लोग दूसरों का बहुत ख्याल करते हैं, खूबी नंबर दो। खूबी नंबर तीन, ये लोग किसी के साथ ना वो हसद नहीं करते, को वो अमीर हो गया वह गरीब, ये नहीं, कोई फर्क नहीं करते। फर्क नहीं करते, मतलब तीसरी खूबी ये है कि ये लोग किसी के साथ कोई भेदभाव या फर्क नहीं करते, सबके साथ एक जैसा बर्ताव करते हैं। ठीक है, अब और बताइए खूबी। ये लोग हेल्पफुल है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, ये हेल्पफुल बहुत है, ये बताइए आपने। और एक लास्ट, इनका ना इधर का माहौल जो है ना बहुत साफ सुथरा है, दुनिया सारी से ऑक्सीजन बहुत है, माहौल बहुत अच्छा है, ग्रीन बहुत है। जब मैं आया था ना इधर पहली दफा, तो मैंने देखा था इधर हरियाली बहुत है। जब आदमी इधर आता है ना जून में, तो जन्नती नजर आती है साइड पर। अच्छा, आप यहाँ का जो वेदर है, हाँ, तो काफी लगभग 7-8 महीने तो खराब रहता है वेदर,
जो समर है केवल नाम का है, नाम पे कहने का तो 4-5 महीना है, लेकिन हकीकत में 4-5 महीने का समर होता नहीं है, एक 1.5 महीने का ही होता है, और उसमें भी अगर गर्मी कुछ पड़ती है तो 1-2 हफ्ते की पड़ती है, 1-2 हफ्ते की पड़ती है बस। तो क्या आपको वेदर ने कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया, निराश नहीं किया एस्टोनिया को लेकर के? दरअसल जब से मैं आया हूँ एस्टोनिया में, मेरे पास अच्छी कार होती है, तो कार में आदमी बैठ जाए, गर्म हो कार में बैठ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर्दी। मतलब वेदर कभी भी आपने वेदर को सफर नहीं किया? नहीं नहीं, सफर नहीं किया मैंने, आपने एंजॉय किया? एंजॉय किया वेदर को। आपके पास जो संसाधन है जैसे कि अपनी गाड़ी में, अपने घर में, तो आपने बाहर ये ठंडे वेदर में यहाँ वहाँ भटके ही नहीं, आपने कोई ऐसा ठंडे वेदर में रह करके खुलेआम कोई काम ही नहीं किया जिससे कि आपको मतलब सर्वाइव करने जैसा लगे, ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने ना हमेशा इज्जत रखी है और पैसा इतना काते रहा कि वो आदमी खा पी सकता है। बस केवल लास्ट 2 क्वेश्चन करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन तो ये है कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई अगर वो एस्टोनिया आना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? वो स्टूडेंट आ जाए, एप्लीकेशन दे, स्टूडेंट के थ्रू आसानी से आ सकते, आसानी से आ सकते हैं। लेकिन जो उम्र क्रॉस कर गए हैं, जिनकी उम्र 30-35 से ऊपर है, अगर वो एस्टोनिया आना चाहते हैं आपका वीडियो देखने के बाद, वो इम्प्रेस होते हैं और वो सोचते हैं कि चलो मैं भी चलूं एस्टोनिया में जाके रहूं, और वहां जैसे अली भाई साहब अच्छी जिंदगी जी रहे हैं तो हम भी अच्छी जिंदगी जिए, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए कि 63,000 यूरो इधर बैंक में जमा कराए, अपना अकाउंट खोले और इधर आ जाए, बिजनेस स्टार्ट कर ले। इजी वीजा में आपका मतलब है कि सबसे अच्छा आसान रास्ता है कि वो 63,000 या 65,000 वो बैंक में जमा कराए और उसके बाद अकाउंट खोल लें, और उधर ही बैठकर खोल जाता, अकाउंट भी खोल जाता, कंपनी भी खोल जाती है, और ये वीजा भी दे देते हैं, मतलब ई रेजिडेंसी के थ्रू। हाँ, सब कुछ हो जाता। मतलब 65,000 का इन्वेस्टमेंट करें तो वो उनको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं दिक्कत होगी वीजा वीजा पाने में या यहाँ के लिए रहने के लिए परमिट पाने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी पाकिस्तानी भाई हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अली साहब को सुन रहे हैं, तो उनकी जो ये एक आपके लिए जो एक क्या बोलते हैं इसको, आपके लिए जो सलाह है, और वो ये है कि अगर आप स्टडी के लिए नहीं आना चाहते हैं या स्टडी के लिए आप क्वालिफाइड नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि आप कैसे भी करके 65,000 यूरो का बंदोबस्त करें और उन पैसों के द्वारा आप लीगल वे से किसी भी एजेंट से मिलने की जरूरत नहीं है, किसी भी एजेंट को हायर करने की जरूरत नहीं है। मेरा चैनल शुरू से इन चीजों अली साहब ने भी इस बात पे मुहर लगा दी है कि अगर आप काबिल हैं तो आप आ सकते हैं और आप यहाँ कामयाब हो सकते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे अली साहब हुए हैं। आपको या तो स्टडी के थ्रू आ जाइए, अगर स्टडी के लिए आप एलिजिबल नहीं है, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है स्टडी, या आपका गैप है, या आपने कम स्टडी की है, तो सबसे बेहतर यही रास्ता है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए आप जो है आगे आए, कैसे भी करके आप बंदोबस्त करें, और 65,000 आपको किसी को देने नहीं है, किसी को हाथ में नहीं देने हैं, एम्बेसी को आप जो है अपने पैसे के बिजनेस में लगाने हैं, बस आप एम्बेसी को बीच में रखें, एम्बेसी के थ्रू आप 65,000 का इन्वेस्टमेंट करें और उसके द्वारा आसानी से आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। सही है, सब रास्ते खुल जाएंगे, उनके फैमिली भी इधर आ जाएगी, खुद भी आ जाएंगे, इधर आकर रहें, बिजनेस करें और अपनी जिंदगी गुजारें। तो आपसे मैंने बोला था कि 2 दरखास्त लास्ट करनी है, तो एक तो हो गई, अब एक लास्ट दरखास्त है कि आप अपने मुल्क के उन लोगों को जो मेरे साथ चैनल साथ जुड़े हुए हैं, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे, कोई भी आप मैसेज देना चाहेंगे आपके मुल्क के अंदर? मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, तो उनको कोई मैसेज है आपका? उनके लिए यही मैसेज है, अगर आपके इंटेलिजेंट हैं, आपने कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना है, तो ये पैसे जमा कराएं, तो इधर आ जाइए, इधर अच्छी लाइफ है, लाइफ इधर अच्छी है दूसरे मुल्कों के बनिस्बत, तो हर तरह की सहूलत है इधर, ज़िंदगी का कोई ख़तरा नहीं है इधर, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई वो नहीं है, लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते, हमने तो कभी कभी सुना है कभी कोई कत्ल हुआ, कभी कत्ल ही कोई नहीं हुआ इधर, इधर दुनिया बहुत पीसफुल है, तो जिसने आना, और मैं तो यही सोचता हूँ जिसका अल्लाह ताला ने दाना पानी जहाँ लिखा हुआ वहाँ जाना उसने, अगर किसी का लिखा हुआ इधर आ सकता है तो
कौन से लफ्जों के साथ में आप अपनी बात खत्म करना चाहेंगे? मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत अमान में रखे और हर बीमारी से बचाए और हर एक का माँ बाप को लिए दुआ करे, अपने माँ बाप की इज्जत करे। अगर माँ बाप की इज्जत करोगे तो दुनिया में हर जगह कामयाब हो। अगर माँ बाप की जो इंसान इज्जत नहीं करता वो दुनिया में कहीं भी कामयाब नहीं है। आमीन आमीन। तो देखा दोस्तों, ये हमारे साहब सुजात अली साहब जो कि पाकिस्तान के पंजाब से बिलोंग करते हैं और ये यहाँ 95 से रह रहे हैं और एक कामयाब बिजनेसमैन है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पैसे कमाए हैं। मैंने कोशिश नहीं की जानने की कि महीने में कितना या साल में कितना कमाया। मैंने ये भी कोशिश नहीं की कि कितने पैसे इन्होंने घर भेजे, क्योंकि वो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि अली साहब ने बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं और ना केवल इन्होंने बेहतर लाइफ इस एस्टोनिया में जी है, बल्कि यहाँ के कमाए हुए पैसों से अपने परिवार को भी बेहतर लाइफ दी है अपने मुल्क में पाकिस्तान में। और बहुत कुछ इन्होंने खड़ा किया है कि कल के इनकी जो बच्चे हैं, जो इनकी औलादें हैं, वो याद करेंगी कि हमारे अब्बू ने हमारे लिए विरासत में काफ़ी कुछ छोड़ के गए हैं। तो आपका भी वेलकम है अगर आप पाकिस्तान से हैं और आप ख्वाब देख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, मुझे ईमेल लिखा है, तो मैं अली साहब के मार्फत आपको कहना चाहूँगा कि सच में अगर आपका ख्वाब है एस्टोनिया आना और यहाँ आकर के बस जाना या काम करना या स्टडी करना या बिजनेस करना, तो आप अली साहब ने जो सलाह दी है आपने उस पर ध्यान देना। अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास में वो योग्यता है कि आप यहाँ आ सकते हैं स्टडी के लिए, तो सबसे अच्छा रास्ता है, क्योंकि उसमें कोई झमेला नहीं है। स्टडी के थ्रू आप अच्छी तरीके से आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्टडी नहीं की है या आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो आप जो हमारे अली साहब ने दूसरा रास्ता बताया कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप यहाँ आसानी से आ सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। अली साहब ने ईद मुबारक के साथ में अपनी बात को ख़त्म की थी, तो मैं भी आप सभी को ईद मुबारक देना चाहूँगा और ईद मुबारक आप सभी को। आप सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, ढेर सारी खुशियाँ आएँ। और याद रखिएगा, जैसा कि अली साहब ने कहा, जो माँ बाप को दुख देता है, जो माँ बाप को भूलता है, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए अपने माँ बाप को दुखी करके, अपने माँ बाप को कष्ट दे करके कभी भी आप यहाँ आने की कोशिश मत कीजिएगा या आप अपने मुल्क में भी रहने की कोशिश मत करिएगा। अपने माँ बाप की सेवा कीजिएगा, खिदमत कीजिएगा। खिदमत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ बाप सारी ज़िंदगी खुद अच्छा नहीं खाते हैं, खुद अच्छा नहीं पहनते हैं, पैसों को अपने ऊपर नहीं खर्च करते हैं, एक एक पैसा जोड़ करके अपने बच्चों के लिए जोड़ते हैं और भेजते हैं और खर्च करते हैं। इसका पता आपको तभी लगेगा जब खुद आप माँ बाप बनेंगे। ठीक है, इसी के साथ में अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, राम राम, जय हिंद।